नमस्ते, कृतिका किचन में आपका स्वागत है। आज हम हरी मटर की ऐसी सब्जी बनाएंगे जिसे आप एक बार बनाकर खा लेंगे तो आप शाही पनीर, मटर पनीर सभी सब स्वाद भूल जाएंगे। आइए शुरू करते हैं बनाना। एक कटोरी हमने मूंग की दाल ली है जिसे हमने 2 घंटे पहले पानी में भिगो दिया था। काफ़ी अच्छी तरीके से ये सॉफ्ट हो गई है फूल के। इसे हमने 2-3 बार पानी से धो लिया है, पानी निकाल दिया है इसका। 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया था, 2 हरी मिर्च उसे काट लिया है। अब तीनों चीज़ों को हम मिक्सी में मिक्सर जार के अंदर डालकर पीस लेंगे। इसका एक बारीक पेस्ट बना लेंगे। दाल को हमने पीस लिया है, इसका एक हमने फाइन पेस्ट बना लिया है दाल का। इसी तरीके का पेस्ट चाहिए हमें सब्जी बनाने के लिए। इसे कटोरी में निकाल लेते हैं हम। यह सब्जी खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। इसका टेस्ट एकदम शाही सब्जियों की तरह आता है। जब भी आपके घर में कोई खास मौका हो, कोई कार्यक्रम हो, आप ये सब्जी बनाकर खाइए, बहुत टेस्टी लगती है। हमने आधी कटोरी टमाटर की प्योरी ली है, 2 टमाटर हमने पीस लिए हैं, 1 कटोरी हरी मटर और 1 कटोरी दाल का पेस्ट, आधी कटोरी प्याज का पेस्ट लिया है, 2 मीडियम साइज की प्याज पीस ली है। मसाले में हमने 2 चम्मच कसूरी मेथी ली है, 1 पिंच हींग, आधी छोटी चम्मच जीरा लिया है, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग लें, 1 चम्मच नमक लिया है, 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर और आधी छोटी चम्मच गरम मसाला। अब हम गैस पर कढ़ाई रख देते हैं। कढ़ाई हमारी गरम हो गई है। अब इसमें हम 2 बड़े चम्मच ऑयल डाल देंगे और गैस की फ्लेम को मीडियम कर देंगे। इसमें जीरा डाल देते हैं, तेल गरम हो गया है, जीरा हमारा भुन चुका है। अब इसमें हम 1 पिंच हींग डाल देंगे। हींग भी हमारी अच्छे से भुन गई है। अब प्याज को डालकर अच्छा गोल्डन ब्राउन भून लेते हैं। चलाते हुए भून लेंगे प्याज को गोल्डन ब्राउन। प्याज हमारी भुन चुकी है। अब इसके अंदर हम टमाटर की प्योरी डालेंगे। इसमें हम टमाटर की प्योरी डाल देते हैं। इस सब्जी को बनाने में ज़्यादा टमाटर प्याज नहीं डाला जाता है, थोड़े ही टमाटर प्याज में ये सब्जी काफ़ी अच्छी टेस्टी बन के तैयार हो जाती है। टमाटर भुन चुका है हमारा काफ़ी अच्छी तरीके से। अब इसके अंदर हम दाल का पेस्ट डाल देंगे और पेस्ट को भी अच्छे से हम भून लेते हैं ताकि पेस्ट का जो दाल का कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। अच्छे से दाल को हम भून लेंगे। दाल को हम 4 मिनट चलाते हुए भून लेंगे। मीडियम फ्लेम पर ही भूनना है, तेज फ्लेम पर ना भूने दाल को, वरना वो चिपक जाएगी। दाल हमारी अच्छी तरीके से भून चुकी है। अब इसके अंदर हम मसाले ऐड करेंगे। मसाले में हम आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे और आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर और 1 चम्मच नमक, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, और आधी छोटी चम्मच गरम मसाला और 2 चम्मच हमने कसूरी मेथी ली है उसे भी डाल देंगे। कसूरी मेथी का बहुत अच्छी सब्जी में खुशबू आती है। आप सभी मसालों को हम मिला देंगे, मिलाते हुए मसालों को भून लेंगे। अब हम मसाले पकने के लिए हम इसके अंदर पानी डालेंगे, 1 गिलास पानी डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे ताकि अच्छे से पानी मिल जाए हमारा दाल के अंदर। एक साथ सारा पानी ना डालें वरना पानी अच्छे से मिल नहीं पाएगा मसालों में।
अलग अलग होगा, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके ही हम पानी को मिलाएंगे और मसाले पका लेंगे हम। एक गिलास पानी डाल दिया है, अब हम ढककर इसे पका लेते हैं। 2 मिनट हो गए हैं, हम चेक कर लेते हैं। मसाले हमारे पक चुके हैं, तेल अलग हो गया है मसालों से। अब हम इसे चला लेते हैं, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। काफ़ी अच्छी तरीके से हमारे मसाले पक चुके हैं, दाल पक चुकी है। अब इसके अंदर हम मटर डालेंगे 1 कटोरी, और मटर को हम मिला देंगे। और इसके अंदर हम 2 गिलास पानी डालेंगे और इसे अच्छे से मिला देंगे। हमने 2 गिलास पानी डाल दिया है, अब इसे सब्जी को हम पकने के लिए मीडियम फ्लेम पर छोड़ देते हैं, ढक के रख देते हैं ताकि हमारे मटर अच्छे से गल जाए। अब हम चेक कर लेते हैं, 5 मिनट हो गया है, सब्जी को चेक कर लेते हैं मटर हमारी सॉफ्ट हुई है कि नहीं। सब्जी हमारी थोड़ी ठीक होने लगी है, क्योंकि दाल फूलती है तो ये थोड़ी गाढ़ी होने लगती है, इसलिए इसके अंदर 1/2 गिलास पानी हम और ऐड कर देंगे। अभी अच्छे से ये सॉफ्ट नहीं हुई है, इसलिए थोड़ी देर और पकाएंगे। अब इसके अंदर हम 1/2 कटोरी मलाई डाल देंगे, ताजी मलाई डालनी है। बहुत अच्छा इसका फ्लेवर आ जाता है, मलाई डालने से सब्जी का टेस्ट बढ़ जाता है। मिला देते हैं मलाई को और इसे 2-3 मिनट और पकने के लिए छोड़ देते हैं। ढककर पका लेते हैं हम 2-3 मिनट सब्जी को। 2 मिनट हो गए हैं, सब्जी हमारी अच्छे से पक चुकी है। लीजिए, हमारी सब्जी बनके तैयार है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपको कैसी लगी हमारी वीडियो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली नई वीडियोस को आप देख सकें। थैंक यू।